हेलो दोस्तों, मैं हूँ वॉलपेपर हार्मोनी एंड आप देख रहे हो अल्टीमेट ऑल इन वन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू का एक टिप्स जो है जो आपको दे रहा है मल्टीपल इंडिकेटर्स एंड मल्टीपल विंडोज विदाउट पेड वर्जन। सो हम पहले देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू का जो चार्जेस है वो कितना हाई है, बट हमको फ्री देखना फ्री लेना है तो ट्रेडिंग व्यू हम गूगल में पहले सर्च कर लेते हैं। इसका प्राइस कहाँ पे यहाँ पे रहा। ओके, हम जो हमको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चाहिए तो हमको प्रो वर्जन लेना है तो $40 अप्रोक्स $15 देना पड़ेगा, प्रो वन का $30 देना पड़ेगा और प्रीमियम का इतना देना पड़ेगा। और उसमें भी क्या है, आप 5 इंडिकेटर यूज चार्ट पे यूज कर सकते हो, टू विंडो यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ है, 10 इंडिकेटर और 35 इंडिकेटर इतना ही है। तो हम चेक करते हैं तो फ्री में क्या मिलता है। तो पहले निफ्टी 50 ले लेते हैं। ये हमारा चार्ट ओपन हो गया निफ्टी का, इसको हम नहीं चेक कर लेते, कोई खास है नहीं। तो इसमें हम इंडिकेटर देखते हैं, फर्स्ट इंडिकेटर ऐड करते हैं, ओके एक ऐड हो गया, दूसरा ऐड करते हैं, ओके दूसरा भी ऐड हो गया, तीसरा ऐड करते हैं, ओके तीसरा भी ऐड हो गया, अब तो हमको चौथा ऐड करना है। ओ तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि पेड वर्जन लेना पड़ेगा जो $15 के आसपास है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो यही मेल आया हुआ आप मल्टीपल, और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ से टू विंडो करेंगे तो भी नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो भी, आपको एक ही चार्ट यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीपल चार्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, न्यू स्क्रीन टैब टैब में ऐड ओपन करना पड़ेगा। तो यही मैं आपके लिए लाया हूँ कि मल्टीपल विंडो भी आप एक साथ यहाँ पे कर सकते हो इस ऑप्शन से, और मल्टीपल्स इंडिकेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आपको जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो मिस हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो जैसे इतना वीडियो आपको नए नए तो नए टिप्स वाला वीडियो आपके तक पहुँच सके। ओके, तो पहले मैं बता रहा हूँ एक, आप जो मल्टीपल विंडो यूज़ करे हो क्रोम में, अभी मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है, तो एक नया ब्राउजर है विवाल्डी ब्राउजर करके है, विवाल्डी या ये बहुत सिक्योर भी है और यूजेबल भी है, और आप इसी तरह लाइक क्रोम की तरह ही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल टैब यूज़ करना है उसकी वजह से। तो अभी ये क्रोम में हम ओपन किया हुआ था, ये ट्रेडिंग व्यू का लिंक है वो अभी मैं विवाल्डी ब्राउजर है इसमें ओपन करूँगा। देखिए मैंने पेस्ट किया और एंटर किया, और ये विवाल्डी ब्राउजर डाउनलोड किस तरह करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप वहीं से आप डाउनलोड कर दीजिएगा और चार्ट वो सब इजीली ओपन हो जाएगा, और ये सिक्योर ब्राउजर, सो डोंट वरी अबाउट कि इनसिक्योर होगा ऐसा कुछ है नहीं। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं विवाल्डी ब्राउजर के लिए। ओके, तो हम कंटिन्यू पॉइंट करते हैं। हमारा अभी हम चार एक ही विंडो में चार विंडो ओपन करना है हमको, चार अलग अलग ब्राउजर और मल्टीपल इंडिकेटर ऐड करना है। ओके, तो पहले हमने ऐड किया है, अभी ये एक ब्राउजर हमने ऐड किया है, यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज कर, अभी इसको हम करते हैं 1 मिनट। ओके, और इसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं, मूविंग एवरेज एक एक क्रॉस वाला यूज कर लेते हैं और एक क्रॉस लाइन टू वाला यूज कर रहे हैं। अब तीसरा ऐड करेंगे तो नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, अभी अभी तीन हो गया, ओके तीन, ओके डोंट वरी, हमको तीन ही चाहिए, हो गया। ओके नाउ अभी दूसरा ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे लिंक पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे जो कौन सा बाकी है इसको हम करते हैं 5 मिनट, और इसमें नया इंडिकेटर ऐड करना है हमको, कि चलो इस बार ऑसम ऑसलेटर यूज़ कर लेते हैं, बॉइलिंग बैंड यूज़ कर लेते हैं, और एक बुल बियर ऐड पावर ऐड कर लेते हैं। ओके, तीन हो गया, अब चौथा इसमें नहीं होगा, ओके डोंट वरी,
हमको नहीं चाहिए। इसको निपटे की लिंक कॉपी करो, तीसरी टैब में ऐड करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। वीडियो पूरा देखिएगा, स्टेप बिल्कुल एक भी मत करिए, स्किप मत करिएगा। स्टेप आप याद रखिए, सिंपल स्टेप है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, अब 15 मिनट ऐड कर लेते हैं इसमें। ओके, 15 मिनट हो गया और यहाँ पे हम 6 ऐड हो गया हमारा, 3 फर्स्ट में, सेकंड में था 3 और इसमें ऐड करते हैं 3। इसमें चॉप जोन ऐड कर लेते हैं, चोनो राइस ऐड कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ओके, तीनों चार्ट यहाँ पे ऐड हो गया है 15 मिनट में। अब दूसरा टैब ऐड कर लेते हैं, तो हमका 1:4 विंडो ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 15 मिनट 30 मिनट में ऐड कर लेते हैं। तो हमको क्या हुआ, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट और 30 मिनट। ओके, अब यहाँ पे और 3 ऐड कर लेते हैं, एक ओनर RSI यूज़ कर लेते हैं, ड्राइवर इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं और डबल EMA यूज़ कर लेते हैं। ओके, अभी हमको 4 ऐड करें। अब आप 5-6 मल्टीपल जितना चाहो उतना ऐड कर सके, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए कि इन चारों ब्राउजर का हम एक ही विंडो ओपन करना है, तो कैसे करेंगे। पहली बात कि यहाँ पे जो यहाँ पे 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है और 30 मिनट है, तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल दबा के माउस से मल्टीपल विंडो सिलेक्ट करना है। टैब देखो, यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ, कंट्रोल दबाओ, 1 2 3 ये अनटिक हो गए। अभी मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल से, फर्स्ट टैब, सेकंड टैब, थर्ड टैब एंड फोर्थ टैब, टैब पे देखिए। ओके, एंड राइट क्लिक करके, तो मैंने क्या किया, एक टाइल्ड फोर टैब करके है, टिल्ड फोर। ओके, टिल्ड फोर ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा चारे विंडो है वो एक में आ जाएगा, देखिए आ गया। ये हमारा 1 मिनट का है, ये 15 मिनट का है, ये 5 मिनट का है और ये 30 मिनट का है, जो है पूरे का पूरा यहाँ पे आ गया। मतलब है हमारा पेड वर्जन हमको मिल गया है। अभी आप मल्टीपल 6, 8, 12 जितना भी चाहो उतना ऐड कर सकते हैं और आपका अलग अलग इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये पूरे का पूरा है ट्रायल वर्जन, पर हमको फुल वर्जन जैसे यूज़ कर रहे हैं हम। ओके दोस्तों, जो कोई अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो या कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर ये ब्राउजर में कुछ इश्यू आ रहा है फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीवाड़ी और इसके मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और यस, आप सब्सक्राइब और करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह नया वीडियो आता रहेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।